नमस्कार दोस्तों, आज की कविता है नो मैन आर फॉरेन। कोई मनुष्य विदेशी नहीं है। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या आपने कुछ लोगों को अजनबी और अन्य देशों को परदेश माना है? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। हमारे पास दूसरे लोगों को हम से उनको अलग समझने के अनेक रास्ते हैं। दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। वे एक अलग देश से संबंधित हो सकते हैं या एक अलग भाषा बोल सकते हैं। इन दिस पोइम हाउएवर द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ द मेनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम फॉर वी आर ऑल ह्यूमन। फिर भी इस कविता में कवि हमें अनेक तरीकों का स्मरण कराता है जिसमें हम सब समान हैं क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। तो पहला स्टेंजा है इसका, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखें, रिमेंबर याद रखें, नो मैन आर स्ट्रेंज। कोई मनुष्य अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई देश परदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, सभी प्रकार के वस्त्रों के नीचे एक ही प्रकार का शरीर श्वास ले रहा है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स यानी सभी प्रकार के वस्त्रों के नीचे अ सिंगल बॉडी, एक ही प्रकार का शरीर ब्रीथ श्वास ले रहा है या श्वास लेता है। लाइक ours, जो हमारे जैसा ही है। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। फिर वाक्य कहते हैं, धरती जिस पर हमारे बंधु चलते हैं, यानी वो धरती जिस पर हमारे भाई चलते हैं, बंधु चलते हैं, वह धरती हमारी धरती जैसी ही है जिसके तले हम सब दफन हो जाएंगे, यानी जिसके नीचे हम सब क्या हो जाएंगे, दफन हो जाएंगे। तो एक बार वापस समझे, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखें, कोई मनुष्य अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी देश परदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी वस्त्रों के नीचे सिंगल बॉडी ब्रीथ, एक जैसा शरीर श्वास लेता है। लाइक ours, वो हमारे शरीर जैसा ही है। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, उस भूमि पर जिस पर हमारे भाई चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, वह हमारी पृथ्वी की तरह ही है। इन विच वी ऑल शैल लाई, जिसमें हम सभी क्या हो जाएंगे, दफन हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, यानी वे भी धूप वायु जल का अनुभव करते हैं। दे टू, वे भी अवेयर ऑफ सन, अवेयर का मतलब यहां अनुभव करने से है, यानी वे भी अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, सूर्य को अनुभव करते हैं, धूप को अनुभव करते हैं, एयर हवा को अनुभव करते हैं, वायु को अनुभव करते हैं, वाटर जल को अनुभव करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, देखिए शांति से वे क्या करते हैं, अन्न खाते हैं, शांति से अन्न को खाते हैं। एंड फीड, सॉरी फेड है, फीड फर्स्ट फॉर्म होती है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, शांति से अन्न को खाते हैं। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड यानी स्टार्व्ड यानी भूखे रहते हैं, और युद्ध की लंबी सर्दी से भूखे रहते हैं। बाय वॉर्स, युद्ध की लॉन्ग विंटर, लंबी सर्दी से, यानी युद्ध की लंबी सर्दी से भूखे मरते हैं, उसे बोलते हैं स्टार्व्ड। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ भी हमारे हाथों जैसे ही हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, और उनकी रेखाओं में हमें पता चलता है, यानी उनकी रेखाओं से हमें पता चलता है कि लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, उनका परिश्रम हमारे परिश्रम से अलग नहीं है। दोबारा पढ़ते हैं, देखो, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर ऑफ वाटर, वे भी महसूस करते हैं हवा को, पानी को, धूप को महसूस करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और वे भी शांति से अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं। By wars long winter starved, और युद्ध की लंबी सर्दी से वे भी भूखे मरते हैं, यानी उन्हें भी फर्क पड़ता है। Their hands are ours, वो हाथ हमारे हाथ जैसे ही हैं। And in their lines we read, और उन हाथों की रेखाओं में हम पढ़ सकते हैं
कि उनके द्वारा किया गया कार्य हमारे कार्य से भिन्न नहीं है. ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन. आगे देखते हैं. रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स. याद रखें या याद रखें कि उनकी आंखें भी हमारी आंखें जैसे ही हैं. दैट वेक और स्लीप. वो भी जागती हैं, यानी वो आंखें भी जागती हैं और सोती हैं. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन. और उनमें भी हमारी तरह शक्ति है. दैट कैन बी वॉन बाय लव. जिसे प्यार से जीता जा सकता है. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ. प्रत्येक देश में जीवन एक समान है. दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. जिसे सब पहचान सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, अंडरस्टैंड और समझ सकते हैं. लेट अस रिमेंबर. फिर वो आगे कहता है, लेट अस रिमेंबर. आओ याद रखें. व्हेनेवर वी आर टोल्ड. जब भी हमें ये बताया जाए, टू हेट आवर ब्रदर्स. कि हम अपने साथी मनुष्यों से घृणा करें. इट इज आवर सेल्वेज दैट वी शाल डिस्पोज. तो हम अपने आप को वंचित नहीं करेंगे. इट इज आवर सेल्वेज दैट वी शाल डिस्पोज. तो हम अपने आप को ही वंचित करेंगे. बिट्रे धोखा देंगे, यानी खुद को धोखा देंगे. कंटेम और खुद की क्या करेंगे, निंदा करेंगे. तो वो कहता है लेट अस रिमेंबर. आओ हम याद रखें. व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स. यानी जब भी हमें बताया जाएगा कि हम अपने भाइयों से नफरत करें. इट इज आवर सेल्वेज दैट वी शाल डिस्पोज. तो ये क्या होगा, देखिए वो कहते हैं. तो हम अपने आप को ही इसी से वंचित कर देंगे. यानी हम क्या करेंगे, बिट्रे धोखा देंगे, निंदा करेंगे. तो वो कहता है आगे, रिमेंबर याद रखें, वन हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. याद रखें हम जो एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं. हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. एक दूसरे के खिलाफ यदि हम क्या करते हैं, हथियार उठाते हैं, तो हम केवल स्वयं को ही मार देंगे. फिर वो आगे कहता है, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. यानी तो हम मनुष्य को, पृथ्वी को ही अपवित्र करते हैं. तो हम मनुष्य की जो, इट इज ह्यूमन अर्थ, यानी मनुष्य की जो पृथ्वी है, दैट वी डिफाइल, जिसे हम क्या करते हैं, दूषित करते हैं, पवित्र करते हैं. आवर हेल्स ऑफ फायर. फिर वो आगे कहता है कि हमारे नरक की अग्नि, हमारे आवर हेल्स ऑफ फायर, नरक की अग्नि एंड डस्ट, और उसकी जो धूल है, कहां की, नरक की जो धूल है. आउटरेज द इनोसेंस. वो क्या करती है फिर, आउटरेज करती है. आउटरेज यानी अत्याचार. द इनोसेंस किस पे, निर्दोष पे. यानी वायु की निर्दोषता पर अत्याचार करते हैं. यानी कहने का मतलब हम पर्यावरण प्रदूषित करते हैं. वो चीज ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर वन, जो कि सभी जगह हमारी होती हैं. रिमेंबर तो याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, की कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है. एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश परदेश नहीं है. तो एक बार वापस समझते हैं. इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, की है जो पृथ्वी है, और पृथ्वी किसकी है ये भी पता है. तो वो कहते हैं कि जो मनुष्य की पृथ्वी को ही हम क्या कर देते हैं, यानी जब हम एक दूसरे के विरुद्ध शस्त्र उठाते हैं. वो कहता है हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. एक दूसरे के खिलाफ यदि हम हथियार उठाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो ऐसा करना क्या है, उस पृथ्वी को जिसमें मनुष्य रहते हैं उसको क्या करना है, अपवित्र करना है. फिर वो कहते हैं आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस. हमारे नरक यानी हमारी जो दुष्टताएं हैं उसको कहा गया है हमारा नरक. यानी हमारे नरक की जो धूल है, उसकी जो अग्नि है, फायर है, डस्ट है, धूल है, वो क्या करती हैं, आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर. आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, यानी इनोसेंस ऑफ एयर का मतलब है हवा की शुद्धता, यानी वायु की निर्दोषता या वायु की शुद्धता पर हम क्या करते हैं, एक तरह से अत्याचार करते हैं. इज एवरीवेयर आर वन. फिर वो कहता है आगे कि हम पर्यावरण प्रदूषित करते हैं, कि जो वायु सभी जगह हमारी होती है, हम उसे ही क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं. तो वो कहता है कि रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी व्यक्ति क्या नहीं है, फॉरेन नहीं है, विदेशी नहीं है. एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश परदेश नहीं है. कभी कहना चाहता है, देखो क्या कहना चाहता है,
मानव के नकारात्मक कार्य मानवता को कलंकित ही करते हैं, मानव आपस में घृणा भाव व हिंसा रखते हैं। और कवि ये कहता है कि सभी मनुष्य के जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है और परिश्रम की दृष्टि से उनमें समानता है।